चिमनगंज पुलिस ने आयुर्वेदिक दवाओं में रेपर बदलकर धोखाधड़ी करने के मामले में कंपनी के प्रोपराइटर उमेश मंडोरा पर कुल 7 प्रकरण दर्ज किए हैं। उद्योगपुर स्थित आयुर्वेदिक दवा कंपनी में दवाइयों के रेपर बदलकर उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की जा रही थी। जिस कंपनी के नकली रेपर लगाए जा रहे थे, उसके असली प्रोपराइटर ने खाद्य एवं औषधि विभाग में शिकायत की। अधिकारियों ने कंपनी पहुंचकर दवाओं की जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर चिमनगंज थाने में एक दर्जन लोगों के खिलाफ धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज कराया है। थाना प्रभारी अजीत तिवारी ने बताया कि गजमार्क नाम से उद्योगपुरी में संचालित आयुर्वेदिक दवा कंपनी में नकली रेपर लगाकर रायपुर की कंपनी की दवाओं का विक्रय किया जा रहा था। रायपुर की असली कंपनी के प्रोपराइटर ने इसकी शिकायत खाद्य एवं औषधि विभाग के अधिकारियों से की। उक्त विभाग के अधिकारी गजमार्क कंपनी उद्योगपुरी पहुंचे, यहां से अपूर्ण एवं भ्रामक जानकारी के रेपर बरामद किए गए। मामले में मनीष पाठक पिता संजीव द्विवेदी निवासी मंचामन गणेश नीलगंगा और शैलेश गुप्ता निवासी विद्यापति नगर नानाखेड़ा की रिपोर्ट पर उमेश मंडोरा निवासी चिमनगंज, राहुल निवासी इंदौर, विष्णु ताम्रकार निवासी उज्जैन, राजेंद्र ताम्रकार निवासी जबलपुर, गोविंद माहेश्वरी निवासी इंदौर, दिलीप छवर निवासी महेश नगर, जुबेर मुखिया निवासी इंदौर, मुस्तफा निवासी इंदौर, नीलेश लड्डा निवासी उज्जैन, ओम प्रकाश बियानी, मनोज बियानी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। इसमें कल आयुष जिला आयुष अधिकारी और खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के द्वारा थाने पर 7 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। ये विभिन्न कंपनियों के विरुद्ध है। इनमें ये बताया गया है कि गज फार्मा करके यहाँ पर फैक्ट्री है, उससे ये लोग आयुर्वेदिक दवाइयाँ और फूड सप्लीमेंट बनवा रहे थे और कंपनियों के नाम अलग हैं। बड़ी कंपनियों के नाम पर ये फर्म बना के उनको सप्लाई कर रही थी। और इसमें जो मूल बात इन्होंने ये बताया कि जो कंपनी है यहाँ वाली गज फार्मा, मैन्युफैक्चर का नाम बहुत छोटे अक्षरों में लिखा गया है, जो अपठनीय है, और साथ ही उसमें उज्जैन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जिससे लोगों को यह भ्रमित किया जा रहा है कि ये कहीं दूसरी जगह बड़ी जगह किसी अच्छी फैक्ट्री में बनाई जा रही है और उसके अधिक कीमत पे उसको बेचा जा रहा है। तो प्रथम दृष्टया ये मामला 420 का पाया जाने से प्रकरण दर्ज किया गया है। कुल 7 प्रकरण हैं जिसमें 13 आरोपी हैं। अब अग्रिम विवेचना के बाद इसमें कार्रवाई की